गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कौन से परमानेंट प्लांट हम हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। अगर हमारे कुछ फ्रेंड जिनके पास समय कम होता है और वो बार बार प्लांटेशन नहीं करना चाहते, तो आप इन प्लांट्स को एक बार लगा लेंगे तो बहुत दिनों तक ये आपके हैंगिंग बास्केट में लगे रहेंगे और बहुत सुंदर लगेंगे। ये देखिए वॉन्डरिंग ज्यू, इसे मैंने 3 महीने पहले लगाया था और ये देखिए इसकी ग्रोथ कितनी जल्दी हुई है और ये बहुत हार्डी प्लांट है। ये देखिए इस कितना नीचे लंबा लटक गया है और बहुत सुंदर लगता है हैंगिंग बास्केट में। और नेक्स्ट प्लांट जो मैंने लगाया है वो है ये मार्बल पोथोस, और ये वेरीगेटेड वाला अपना रेगुलर पोथोस है। ये दोनों को मैंने एक साथ मिक्स करके लगाया है। जब ये इसकी ब्रांचेस नीचे लटकेंगी तो बहुत सुंदर दिखेगा। ये पोथोस को आप कांच की बॉटल में वाटर भर के भी लगाकर हैंग कर सकते हैं, ये वहाँ भी बहुत अच्छा दिखता है। नेक्स्ट प्लांट जो है वो ये है बोस्टन फर्न, इसे मैंने अभी जल्दी ही लगाया है। बहुत सुंदर प्लांट है और बहुत हार्डी प्लांट है। देखिए फ्रेंड्स, जब इसकी लीव्स मैच्योर हो जाती हैं तो ये बेंड होना शुरू हो जाती हैं, और जब ये गमले के बाहर लटकती हैं बहुत सुंदर दिखती हैं। इस प्लांट का लाइट ग्रीन कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जो मैंने प्लांट लगाया है वो है फिलोडेंड्रॉन। ये देखिए प्लांट, इसकी लीव्स की जो कटिंग होती है ये बहुत सुंदर दिखता है। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये प्लांट चौड़ाई में ग्रो करता है और ये कुछ दिनों में पूरा गमला जब कवर कर लेता है तो इसकी लीव्स इस तरीके से नीचे लटकने लगती हैं और बहुत सुंदर दिखता है। और इसके बाद ये देखिए, ये भी फिलोडेंड्रॉन की ही वैरायटी है। इसका देखिए जो तना है वो डार्क मरून कलर का होता है और इसकी लीव्स नीचे से रेड कलर की और ऊपर से ग्रीन कलर की होती हैं। नेक्स्ट प्लांट जो है ये देखिए, ये टर्टल वाइन है। ये वाइन बिल्कुल वॉन्डरिंग जीव की तरह ही ग्रो करती है, बहुत सुंदर दिखती है। ये देखिए मैं फ्रेंड्स, इसे मैंने कुछ दिनों पहले ही लगाया था और इसने ग्रो करना शुरू कर दिया है, और उम्मीद करती हूँ कि कुछ ही दिनों में ये अच्छे से हैंग करने लगेगी। नेक्स्ट प्लांट जो मैंने लगाया है वो है ये देखिए एस्पेरेगस फर्न है। ये इसको लगाए हुए मुझे 2 से 3 मंथ हो गए हैं और देखिए इसने अच्छे से ग्रो करना शुरू कर दिया है। इस प्लांट की खास बात यह है कि जब ये अच्छे से ग्रो हो जाता है उसके बाद आप इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्लांट लगता है ये और बहुत जल्दी ग्रो करता है। इसके बाद जो प्लांट मैंने लगाया है वो है ये जेट प्लांट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत हार्डी प्लांट है और बहुत जल्दी ग्रो करता है। ये देखिए इसकी ब्रांचेस भी जब ये बास्केट से बाहर लटकती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। फ्रेंड्स, ये सारे प्लांट्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो इंडोर प्लांट हैं। आप इन्हें या तो इंडोर लगाइए या फिर सेमी शेड एरिया में लगाइए। इन सारे ही प्लांट्स को धूप बिल्कुल नहीं पसंद है। और जो नेक्स्ट प्लांट है ये देखिए सिंगोनियम, ये रेड वाला सिंगोनियम है। आप चाहें तो ग्रीन वाला सिंगोनियम भी हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ये बहुत सुंदर दिखता है हैंगिंग बास्केट में। ये सारे ही प्लांट्स बहुत हार्डी प्लांट हैं, इन्हें केयर की बहुत कम नीड है। अगर आप उतने अच्छे से प्लांट्स की केयर नहीं कर पाते हैं तो आप इनमें से कोई भी प्लांट्स लगाइए, आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।